नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज बलिया। बलिया, सपा के बागी उम्मीदवार ने किया नामांकन, लगाए कई गंभीर आरोप। बलिया जिले के बांसडीह नगर पंचायत में समाजवादी पार्टी से नाराज उम्मीदवार धीरेंद्र बहादुर सिंह चुन्ना ने नामांकन दाखिल किया। नामांकन दाखिल करने के पश्चात सपा के बागी उम्मीदवार ने कहा कि मैं सपा का सच्चा सिपाही हूँ, लेकिन मेरे विरुद्ध साजिश करके टिकट किसी और को दे दिया गया। सपा के निवर्तमान विधानसभा अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह ने कहा कि एक तरफ सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव अपराधियों को टिकट देने से मना कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बांसडीह से एक अपराधी को टिकट देकर क्या साबित कर रही है। यहां के समाजवादी पार्टी के लोगों ने मिलकर धीरेंद्र बहादुर सिंह के नाम का प्रस्ताव दिया और विधानसभा के सपा पदाधिकारियों ने उसका अनुमोदन किए, लेकिन दुर्भाग्य है कि समाजवादी पार्टी ने टिकट बाहरी व्यक्ति को दे दिया है। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि दूसरे दल के अपराधी प्रवृत्ति के लोग को सपा से टिकट दिया गया है। उन्होंने कहा कि हम सब कार्यकर्ता अपने उम्मीदवार के लिए जी जान से लगे हैं। बता दें कि नगर पंचायत बांसडीह में समाजवादी पार्टी ने सुनील कुमार सिंह बबलू को अपना अधिकृत उम्मीदवार घोषित किया है। निवर्तमान अध्यक्ष समाजवादी पार्टी विधानसभा बांसडीह। समाजवादी पार्टी ने सिंबल दिया है किसी अन्य व्यक्ति के साथ, आज किसी अन्य व्यक्ति के साथ खड़े हुए हैं, क्या मामला है? क्योंकि समाजवादी पार्टी दो कार्ड में यहाँ देख रही है नगर पंचायत, कैसे आप भी जब पता? देखिए, यहाँ के जो नगर पंचायत के और जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, सब लोग मीटिंग करके और धीरेंद्र बहादुर सिंह चुना का नाम का प्रस्ताव किए और हम लोग उसका अनुमोदन किए। तभी से ये दो, अब ये अलग बात है कि कार्यकर्ता अलग लड़ा में और नेता अलग लड़ा में, तो समाजवादी का ये कर्तव्य है कि अगर नेता गलत करता है तो उसका डट करके विरोध भी होना चाहिए। अच्छा, ये बताइए, विधानसभा में आप लोग तो केवल नेता के, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आह्वान को जानते हैं, घोषणा को जानते हैं, जिसकी टिकट फाइनल हो गई कार्यकर्ता उसी के पास लग जाता है। एक तरफ अखिलेश यादव ने अपराधियों को टिकट देना नहीं चाहते हैं और दूसरे तरफ अपराधी को यहाँ घोषित किया गया है, ये इससे बड़ी शर्म की कोई बात हो नहीं सकती है। धीरेन्द्र बहादुर सिंह, नगर पंचायत बांसडीहपुर चरमाई। जुना जी, किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव मैदान में उतरे हैं और क्या आपकी सोच है चुनाव को लेकर? कहें कि किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव मैदान में उतरे हैं, क्या आपकी सोच है नगर पालिका चुनाव को लेकर? नगर के विकास करना है। 2006 से लेकर 2011 तक मैं चेयरमैन रहा हूँ और जो मेरा विकास अधूरा है उसको पूरा करना है। समाजवादी पार्टी यहाँ दो फार्म में दिख रही है, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सिंबल दिया है और एक आपके साथ चेहरा भी है, संगठन के लोग भी है, क्या कहना चाहेंगे? भाई, हम लोग पुराना समाजवादी हैं, आज भी हैं, कल भी रहेंगे। सारे समाजवादी हमारे, सारे समाजवादी हम लोग का साथ है। अच्छा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पद चिन्हों पर आप लोग चलने वाले हैं, तो क्या मामला हो गया कि आज आपने नॉमिनेशन कर दिया, निर्दल नॉमिनेशन कर दिया? भाई, हम लोग अब नहीं मिला टिकट, अब हम लोग क्या करेंगे? वो अपने निर्दल वो चीज विधानसभा अध्यक्ष जी से पूछिए, क्या मुद्दा रहेगा? क्योंकि नगर पालिका में लगातार बजबजाती नालियां, जर्जर सड़क, जर्जर तार, किन मुद्दों को लेकर चुनाव? देखिए, हम लोग 2006 से लेकर 2011 तक हम नगर पंचायत के चरमें रहे हैं, जो हम काम करा करके गए हैं पूरे 15 वार्ड में, यहाँ की जनता बता देगी कौन आदमी काम कराया है और जो अधूरा काम है। मान लीजिए कि हमारा नगर पंचायत का जो वो बना है, क्या नाम है, शौचालय बना है, वो देखिए बजबजा जा रहा है, या हमारे बाजार में जो है किसी प्रकार का नाली है उसका विकास भी नहीं हुआ है। आप सप्तऋषि गेट में चलिए, पूरी रोड अभी बना है, तत्काल में जो बना है वो टूट करके आज भी अधूरा हो गया है। समाजवादी पार्टी की सदस्यता कौन से सन में आपने ग्रहण किया? हम 2005 से हैं उसमें समाजवादी पार्टी में।